वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद फैज और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल को आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अल्लाह के प्यारों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड का सवाल, कुरान में पहला सजदा कौन से पारे में है? आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए सातवें पारे में, ऑप्शन बी नवे पारे में, ऑप्शन सी तेरहवें पारे में, ऑप्शन डी सोलहवें पारे में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी नवे पारे में। पिछले एपिसोड के सवाल का सबसे पहले जवाब देने वाले तीन विनर हैं। पहले नंबर पर है मोहम्मद इनाम, दूसरे नंबर पर हारून शाह, तीसरे नंबर पर इरशाद अली। मैं तीनों विनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सबसे पहले कमेंट में जवाब देकर मेरा भी हौसला बढ़ाया। इसके अलावा भी काफी लोगों ने भी सही जवाब दिया और अफसोस की बात है कुछ लोगों ने इस आसान से सवाल का भी गलत जवाब दिया था। और बाकी सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी सभी सवालों के जवाब जरूर दें, इससे जिनको नहीं आती है उनके इल्म में इजाफा हो सके। आखिरी सवाल के जवाब में हिस्सा जरूर लें, हम सब के इल्म में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करे, आमीन। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलाई का, ऑप्शन बी लोहे का, ऑप्शन सी खेती का, ऑप्शन डी बर्तन का। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खेती का। कयामत के दिन सबसे पहले कपड़े किसे पहनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इबलीस ने कितने हजार सालों तक अर्श का तवाफ किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 63,000 साल, ऑप्शन बी 25,000 साल, ऑप्शन सी 14,000 साल, ऑप्शन डी 65,000 साल। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14,000 साल। किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यमन में, ऑप्शन बी मदीना में, ऑप्शन सी मुल्क शाम में, ऑप्शन डी मक्का में। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मक्का में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली रोटी कितनी बड़ी बनाई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 800 गज, ऑप्शन बी 900 मीटर, ऑप्शन सी 500 गज, ऑप्शन डी 1000 फीट। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है 500 गज। कौन से नबी 1000 साल तक जिंदा रहे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। का सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अपनी बीवी के साथ कब हमबिस्तरी करना हराम है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दोपहर में, ऑप्शन बी मगरिब में, ऑप्शन सी पीरियड में, ऑप्शन डी कभी नहीं। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी पीरियड में। आज का आखिरी सवाल, मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आज के इस आखिरी सवाल का जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देखते हैं हमारे कितने भाई बहन का सही सही जवाब दे पाते हैं। सबसे पहले कमेंट करने वाले 3 लोगों का नाम इंशाल्लाह कल आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। कुरान की किस सूरह में 2 मर्तबा बिस्मिल्लाह आया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरह नमल, ऑप्शन बी सूरह बकरा, ऑप्शन सी सूरह ताहा, ऑप्शन डी सूरह माईदा।